हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वेलकम है आपका अपने चैनल रुहेला फैमिली ब्लॉग्स में। और जैसा कि जून का एंड आ रहा है और सब लोग अपने अपने रास्ते पर लग जाएंगे, अपने ठिकानों पर, सब लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे, घूमने आए थे, कोई कहीं पे गया था। और धीरे धीरे वही ही लाइफ बिजी हो जाएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे और अपना वही डेली का काम करना, डेली का रूटीन हमारा वही हो जाएगा। और यहाँ पर छुट्टियों में बच्चे खा रहे थे कॉटन कैंडी। और इसको हम बोलते थे जब हम छोटे छोटे थे, बुढ़िया के बाल। और किस किस ने ये खाई है और किस किस को अच्छी लगती है, लेकिन मेरी आदत आज भी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। और मैं खाती हूँ, जैसे बच्चे खाते हैं तो मैं भी खाती हूँ, बस वही अपना बचपन लौट आता है और अच्छा भी लगता है। और जहाँ पर कॉटन कैंडी दिख जाए और बच्चे ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पर आज भी 5 रुपए में मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में 5 रुपए का कोई सामान नहीं मिलता, 20 का, 10 का भी मिल जाता है। तो वही हम लोग ले रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी और हम भी। और फिर है ये घर का, और आज है ना जाने की तैयारी हो रही है। हम लोग जाएंगे अब अपने घर वापस, छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, जाके 2-3 दिन में अपना 2-4 दिन में काम करेंगे। बच्चे जो पेंडिंग रह गया है अपना बैग लगाएंगे, टिफ़िन तैयार करना, सब सामान को एक जगह रखना, वो ही है। और ये शाम का टाइम है और आज बनेगी अरवी की सब्जी। हमारे यहाँ पर है ना अरवी अजवाइन में नहीं बनाते, मसाले वाली अरवी बनती है, सूखी जो होती है वो खाते हैं, टेस्टी लगती है। रेसिपी नहीं, बस वही रोज का दिखा रही हूँ। और रेसिपी मेरे से दिखाई भी नहीं जाती, जब तक आधा बन जाता है उसके बाद मैं फ़ोन लेके पहुँचती हूँ, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर बैग सामान था जो कमाया है, मतलब जो मिला है घर से वो, और अपने कपड़े भी, वो सब एक जगह सेट करूँगी और फिर निकल जाएंगे हम कल को। ये शाम का टाइम है जो मैं आपको दिखा रही थी। बहुत दिन हो गए हैं, अब ऐसा मन लगाया था और जाने का मन नहीं। कई दिन तो है ना बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है, सामान जो यहाँ से बैग वगैरह है सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और देखिए ये लाइफ किस किस ने देखी है, हमने तो देखी है, लेकिन बहुत से जो शहरों में ही रहते हैं, शहरों से ही अटैच हैं, गांव से नहीं है, तो उन्हें तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं लगती होगी। और ये है हमारी गौ माता, दूध निकाल लिया था और अभी हम इसको ये खा रही है चारा। और फिर है ना इनको शाम को कच्चे में बैठ बांध देते हैं, कच्ची मिट्टी में, क्योंकि जो पक्के में खड़े खड़े है ना पैर में भी। तो
अभी बन रहा है आम का खट्टा मीठा अचार, और इसको आम की चटनी भी बोलते हैं। तो देखिए ये जो है ना, रात को ही रचा के नमक डाल के रख दिया था काट के, बारीक बारीक काट के, और ये छील के डलता है, मतलब आम को छील के उसके बाद इसमें रचा के रख दिया था। अब हमने इस पर गैस पर रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल रखा है ये आम का अचार जो बनेगा, और इसको अच्छे से चला लेंगे। और इस आँच का देखते हैं बाद में क्या होगा। अच्छे से चलाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मसाले। सबसे पहले हमने डाल दी है इसमें लाल मिर्च, और लाल मिर्च से क्या होगा, खट्टा मीठा वो चटपटा सा स्वाद आएगा इसमें। मिर्च के बगैर तो कोई भी चीज़ अधूरी है। और इसको अच्छे से चला लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ थोड़ी सी ज़्यादा ही होनी चाहिए, सौंफ का स्वाद है ना मुँह में बहुत अच्छा आता है। और धनिया को आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि धनिया है ना अचार को ख़राब करता है, ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो धनिया का अचार में नहीं यूज़ होता। और इसको अच्छे से चलाएंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि हर जगह इसका स्वाद आ जाए अचार में। और सौंफ और मिर्च मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी तो इसमें है ना मीठा सा खट्टा मीठा टेस्ट लाएगी, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। बहुत से आम ज़्यादा खट्टे होते हैं, बहुत से कम खट्टे होते हैं, तो उसी के हिसाब से इसमें चीनी डलती है, और वो उसकी आम की पहचान हो जाती है कि कौन सा आम खट्टा निकलता है। टेस्ट भी ना करो तब भी पहचान हो जाती है। और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक ये चीनी मेल्ट ना हो जाए। चीनी को मेल्ट होने में, मोटी चीनी थी तो इसको टाइम लगता है। और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर लाने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है खाने में जब भी टेस्ट नहीं आता है, थोड़ा सा देखने में भी टेस्टी होनी चाहिए। और फिर हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे। चीनी अभी मेल्ट नहीं हुई है, इसको 4-5 मिनट लग जाते हैं चीनी को मेल्ट होने में, और इसको उबाल आने का वेट करेंगे जब तक हम इसमें उबाल आता है। और एक बात है, इसको आप है ना स्लो आंच पर, मतलब मीडियम आंच पर ही रखिए, ज़्यादा तेज़ आंच मत कीजिए, क्योंकि अचार को है ना चिड़चिड़ा हो जाता है अगर ये ज़्यादा देर तक तेज़ आंच पर बनता है, या ज़्यादा देर तक रखा रहता है गैस पर, उबाल आता रहता है तो इसका चिड़चिड़ापन आता है और अचार का टेस्ट है ना ख़राब हो जाता है। तो देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है अच्छे से। अब हम इसको बस 2 मिनट तक रखेंगे गैस पर, और इसको गैस से फिर उतार देंगे। और देखिए अचार बिल्कुल रेडी बनकर तैयार हो गया है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और खट्टे मीठे अचार का टेस्ट लीजिए। देखिए अचार का कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आया है, और इसमें है जो आँच हमारी बची हुई थी वो हमने इसमें ऐड नहीं की है, वो अलग ही रखी है, क्योंकि चीनी डालने से ही इसमें है ना अच्छा सा पानी निकल गया है, तो अच्छा सा इसमें ग्रेवी सी बन गई है। तो देखिए हमारा अचार बनकर रेडी हो गया है। तो फिर हम इसको है ना ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये सालों साल चलने वाला अचार हमारा बनकर रेडी हो गया है। आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अचार का टेस्ट लीजिए। आपसे फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ या रेसिपी के साथ। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।